क्रिप्टो में पैसे कैसे कमाएं, हर क्रिप्टो इन्वेस्टर का ये सबसे पहला एंड सबसे बेसिक सवाल है। वैसे जब बुल मार्केट चल रहा था ना, तब तो थोड़ा आसान था क्रिप्टो में पैसे कमाना। लोगों ने 2x, 3x, इवन 10x तक प्रॉफिट कमाया। थोड़ी सी भी रिसर्च करके जिस भी टोकन को खरीद लिया, उसने एक डेढ़ महीने में 2x, 3x का रिटर्न दे दिया। ऐसी मार्केट चल रही थी वो बुल रन में। बट जब से मार्केट की हालत ख़राब हुई है, मार्केट डाउन हुई है, 30% टैक्स लग गया, फिर 1% TDS आ गया, तो सारा रायता फैल गया, सबके पोर्टफोलियो 80-90% तक डाउन चले गए। एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का अब यही कहना है कि भाई अब तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल हो गई है एंड उतना प्रॉफिट होता नहीं है, एंड इनफैक्ट लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो आज आपसे इसी पर बात करनी है कि इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग कितनी फायदेमंद है, क्या क्रिप्टो में ट्रेड करके इस वक्त ही पैसे कमाए जा सकते हैं, और अगर कमाए जा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए एंड किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। ऑल्सो कैसे आप ऐसे कॉइन्स को स्पॉट कर सकते हो, टोकन्स को स्पॉट कर सकते हो जो आपके फायदे के हो सकते हैं, आपको फायदा दे सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है क्रिप्टो एजुकेटर नील कुकरेती। नील, आज आपसे बात क्रिप्टो ट्रेडिंग पे करनी है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पहले तो क्रिप्टो में लोगों को काफ़ी फायदा हुआ था एक वक्त बुल मार्केट में, लेकिन आजकल मार्केट डाउन है, टैक्स है 30%, TDS डिडक्ट हो रहा है। सो आप बताओ, क्या इस वक्त भी क्रिप्टो ट्रेडिंग बेनिफिशियल है कुछ? ऑलराइट, सो ट्रेडिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन आपको देखना होता है कि इज इट वर्थ योर टाइम और नॉट। तो अगर आप करंट मार्केट देखते हो, लास्ट के 2-2.5 हफ्ते का मार्केट देखते हो, तो बिटकॉइन जो है 28,000 से 26,000 के बीच में मूव किया है। तो $2,000 का मूव है ओवरऑल, अराउंड 26,000 के प्राइस पे। तो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल मूव परसेंटेज वाइज, राइट? तो इसी के बीच में अगर आप ट्रेड करने बैठते हो, तो आपको थोड़ा लेवरेज की साइड हैवी होना पड़ेगा, अपना मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्लस लो वॉल्यूम मार्केट में इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, क्योंकि अगर आप देखते हो कि कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम ही नहीं आया, तो आप कैसे श्योर होंगे कि अच्छा ब्रेकआउट है, या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वॉल्यूम के बिना पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ये इतना ज़्यादा फिट नहीं करता है, तो करेंटली मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन एम रहता है कि जब मैं देखूँ कि मार्केट में फोमो वापस आ रहा है या फिर वॉल्यूम वापस आ रही है, तब हम वहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि हाई वॉल्यूम मार्केट में इट्स वेरी इजी टू गेट कन्फर्मेशन कि किस साइड मार्केट मूव करेगा। तो बेटर होता है कि आप थोड़े अच्छे वॉल्यूम के मार्केट का वेट करो एंड ट्राई टू ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस जहाँ पे वॉल्यूम आपको अच्छा दिखे। ओके, सो यू सेड कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अभी भी बेनिफिट है, बट जब वॉल्यूम ज़्यादा हो तब ट्रेड करना चाहिए। बट नील, क्या स्ट्रेटजीज एक क्रिप्टो इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए जिससे वो लॉस से बच सके, उससे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो सके? ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो ट्रेडिंग कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपकी कि मैंने ये सीख ली तो मेरी लाइफ तो बस अब डन है। हर स्ट्रेटजी पे आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है। पर्सनली मैं जो यूज करता हूँ क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, जो कि मार्केट का मोमेंटम देखता है कि किस साइड है। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें दिख जाता है कि द मोमेंटम इज डाउनवर्ड, इस साइड इसका ट्रेंड चल रहा है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करो। ऊपर जा रहा है तो आपको पता है कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है, एंड उस हिसाब से ट्रेड करो। फिर इसमें होता है कि आप रिवर्सल पैटर्न्स का ध्यान रखते हो कि कहाँ पे डबल टॉप है, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स है, कहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट अब टॉप ऑफ कर रहा है, वापस आएगा, तो उस हिसाब से आप मूव करते हो। अब इस स्ट्रैटेजी में ये दिक्कत है कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, तो दिस कैन लीव यू आउट। जैसे आप 90% प्रॉफिट बना रहे हो, तो क्रिप्टो में अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आपको 15-20% तक ही उसको बुक कर पाते हो, मतलब 70% का प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। तो आपको उतना गैप छोड़ना पड़ता है टू मेक इट सक्सेसफुल। बट अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स में स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो, तो यू कैन गेट अवे विथ अराउंड अंडर 10%। तो डिपेंड करता है उस पर। बाकी स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज़ करो, बट अपने हिसाब से खुद से एनालिसिस करके करो एंड खुद सीखो कि मार्केट्स कैसे मूव करते हैं, ऑन चेन डेटा कैसे वर्क करता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टोकनॉमिक्स क्या होती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है अपनी टीम बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कम्युनिटी जुगाड़ रहा है, तो उस हिसाब से ही क्रिप्टो मार्केट्स में यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करना आएगा। नील, एक आम इन्वेस्टर कैसे सीखे, मतलब ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो, एक बंदा जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है? कुछ हिंट्स लोगों के साथ आप शेयर करो, ये बताएं कि भाई आम इन्वेस्टर को कैसे पता लगे कि मार्केट जो है वो किस साइड जा रही है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, थोड़ा सा ये समझा। या सो काफ़ी सारे लोग जो नए होते हैं क्रिप्टो में एंड दे आर थिंकिंग कि हम यहाँ पे आके अच्छा रिटर्न्स कमाएंगे, तो वो यूजुअली हेडलाइंस पढ़ के आते हैं कि देर वॉज अ एक्स वाई जेड मीम कॉइन जिसपे किसी ने $20-30 डाले और अच्छे खासे $1,000-2,000 बना लिया, 100-200x बना लिया। वो लोग आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं मीम कॉइन्स में, मीम कॉइन्स
डेड हो जाता है और उसके बाद वो चले जाते हैं मार्केट छोड़ के। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप कोई न्यूज देख रहे हो कि इस बंदे ने 1000x प्रॉफिट बनाया इस कॉइन पे, तो उस कॉइन पे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलवेज टू लेट, राइट? आपने न्यूज देखी है तो देर आर मिलियंस ऑफ अदर पीपल जिन्होंने शायद वो न्यूज देखी होगी, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा कमाना है, तो यू नीड टू यू नो स्टार्ट लर्निंग अ लॉट अबाउट द इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखो। एक बार आपने फंडामेंटल्स देखे, मतलब कि ये प्रोजेक्ट है, इसके पास एक टीम है, ये डिलीवर कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स, क्या ये मीडियम या फिर कहीं और पे अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, क्या इनका डिस्कॉर्ड एक्टिव है, क्या इनका ट्विटर एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट से कोई एंगेज नहीं करेगा, कम्युनिटी नहीं होगी, उसका मतलब है कि प्रोडक्ट विल इवेंचुअली डाई। इसके अलावा आप देखो कि टोकनॉमिक्स कैसे हैं, कितने टोकन्स टीम के पास हैं, कितनी वेस्टेड हैं, कितने अलग अलग चीज़ों पे जाते हैं, कितने ICO में गए थे, इन सब चीज़ों पे गए थे, उस हिसाब से टोकन अनलॉक्स शेड्यूल होते हैं। अनलॉक्स के आसपास आप काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग गेम खेल सकते हो। इसके बाद सेकेंड चीज़ होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाओ, राइट? पोर्टफोलियो बैलेंस कोई नहीं बना पाता है, बहुत ही कम लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस होता है। मेरा एक पर्सनल शो है अपने चैनल पे जहाँ पे हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, मतलब जो मेरी ऑडियंस मुझे सबमिट करती है, तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है दैट मैक्सिमम पीपल आर नॉट बाइंग बिटकॉइन और इथेरियम, दे आर बाइंग रैंडम ऑल्टकॉइंस, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक 6-7 months अगो जब बिटकॉइन वॉज 15-16,000, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे बिटकॉइन इज अ वेरी गुड बेट, बिकॉज 2x तो एटलीस्ट आप मिनिमम देख रहे हो, एंड 6 months के अंदर बिटकॉइन ने 2x दे दिया, राइट? तो 15-14,000 पे अगर कोई अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना देगा बिटकॉइन का, लाइक 40%-50% उसका बिटकॉइन में है, बाकी 50% पे मे बी ही कैन पुट इथेरियम और अदर ऑल्टकॉइन्स, तो 50% उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डबल हो गया, नाउ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी टू पे, राइट? तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो अच्छा बैलेंस करना है। आई लाइक व्हाट आई डू इज 70% मेरा बिटकॉइन एंड इथेरियम होता है, मेनली 60% इथेरियम 60% बिटकॉइन 20-25% इथेरियम रहता है, उसके बाद फिर मैं और ऑल्टकॉइंस में 2-3% करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इस तरीके से अगर मार्केट कल लाइक लेट्स से 50% डाउन जाता है बिटकॉइन, तो जो और ऑल्टकॉइंस है वो 90-90% डाउन जाएंगे, बट बिटकॉइन पे यू कैन स्टिल बेट कि हाँ भाई ये ऊपर आ सकता है, ऑल्टकॉइंस का पता नहीं होता है। तो अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बनाते हो, तो ऊपर जाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्रॉफिट्स गिनने स्टार्ट करते हैं तो आपका एक बार में पोर्टफोलियो खाली हो सकता है। तो इट्स वेरी गुड, वेरी लाइक वाइज कि आप पहले पोर्टफोलियो बनाना सीखो, कीप मेजरली इन बिटकॉइन, फिर सम इन इथेरियम, सम इन कैश, उसके बाद फिर अपने ऑल्टकॉइंस जो आपको अच्छे लग रहे हैं, राइट? इससे आपका फोकस भी बना रहता है। तो ये तो सेकंड है कि आप पहले फंडामेंटल्स सीखो, टोकनॉमिक्स सीखो, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना सीखो, उसके बाद बेसिक टीए आप सीखो। बेसिक टीए आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, आई विल रिकमेंड बुक्स, बट आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, एग्जॉस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, दैट शुड बी इनफ। अगर आप उसको इसको भी इतना जान लेते हो, तो आपके मैक्सिमम ट्रेड्स आप निकाल सकते हो फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करके। इसके बाद आपने लाइक 3 चीज़ें कर दी हैं, चौथी चीज़ है ऑन चेन एनालिसिस। अब ऑन चेन एनालिसिस सब नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा यू नो टेक वाला दिमाग आपका होता है, या फिर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इकोसिस्टम में। ऑन चेन एनालिसिस आपको सारा जो पब्लिक लेजर है उसको एक विजुअल तरीके में डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। बहुत सारे टूल्स आते हैं इसके लिए, ड्यून एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा एडवांस टूल है फिलहाल इसके लिए। तो आप ड्यून एनालिटिक्स में खुद का डैशबोर्ड बना सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो क्वांट वगैरह वेबसाइट्स पे जाके, एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का फ्लो किधर चल रहा है, क्या मैक्सिमम लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं सेल करने के लिए, या फिर बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स हो रहे हैं एक्सचेंजेस से, लोग अपने लॉन्ग टर्म वॉलेट्स में रख रहे हैं। ऐसे वॉलेट्स जो कि वेल वॉलेट्स हैं, मतलब जिन पे बहुत सारा फंड्स है, वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, कौन से कॉइन्स वो लोग बाय कर रहे हैं, ये सब आप पब्लिकली देख सकते हो। एंड अगर आप सही सही बंदों को फॉलो कर रहे हो, उनके वॉलेट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो आप काफ़ी सारे नए नए ट्रेंड्स को अर्ली कैच कर सकते हो, या फिर आप NFT ट्रेडर्स को भी अर्ली कैच कर सकते हो। तो ड्यून एनालिटिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लिखो कि टॉप NFT ट्रेडर्स और टॉप क्रिप्टो ट्रेडर्स, आपको उनके वॉलेट्स वहाँ पे दिख जाएंगे एकदम एनालिसिस के साथ। तो ये फिर ऑन चेन एनालिसिस पे आ जाते हो। इसके बाद फिफ्थ चीज़ है जो कि सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने एक चैनल इसलिए स्टार्ट किया था दैट आई गेट टू नेटवर्क विद पीपल। तो आप नेटवर्क करो एंड कम्युनिटीज पे ज्वाइन हो, डिस्कॉर्ड्स, ट्विटर, इन सब पे इंटरेक्शन करो, एंड वहाँ से आपको
ट्रेंड्स अर्ली मिल सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स है वहाँ की टीम के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो आप, ये सब कर सकते हो, तो इससे भी आप अच्छा पैसा क्रिप्टो स्पेस में कमा सकते हो। नील, ये आपने सही कहा कि लोग हेडलाइंस पढ़ के ना इधर उधर से सुन के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर फंस जाते हैं। लेकिन यार वो ये कहते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा, हम क्या करें कि कौन सा कॉइन कौन से टोकन अच्छे हैं, हमें जो सुना हमने इधर उधर से दोस्तों ने बता दिया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, सो कोई तरीका है क्या जिससे अच्छे टोकन को आइडेंटिफाई किया जा सके, आप थोड़ा हेल्प कर सको इन्वेस्टर्स को? जैसे कि मैंने बोला कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले सीखो, इसीलिए तो अगर आप अभी देखते हो किसी भी मीम कॉइन्स को, जैसे अभी हमने देखा 2 महीने पहले पेपे टोकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अप्रैल साइड में उसने आई थिंक 1000x से ऊपर के रिटर्न्स दिए, तो पेपे कॉइन की टीम अगर आप देखने जाओगे तो देर इज़ नो टीम, लाइक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसने बनाया है या फिर टीम कौन है या फिर इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मीम टोकन था, उसको हाइप पे लॉन्च हुआ, हमने देखा कि काफ़ी वेल वॉलेट्स को वो अर्ली मिल गया था, उन लोगों ने इसको हाइप करा के पंप कराया और अपना प्रॉफिट ने बुक कर लिया, राइट। अब जो जनता है जो आई थी उसके हाइप में वो उसको होल्ड करके बैठी है, सेम शिबा इनू के साथ हुआ था, सेम हमारे पास डोज कॉइन के साथ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन चक्करों में आप ना पढ़ो। ऑब्वियसली सबका एक बार लॉस होता है, मेरा स्टॉक मार्केट में हुआ था जब मैं दोस्त के कहने पे मैंने कुछ बाय किया था, तो मैंने भी वहाँ पे अपना लाइक 15,000-16,000 रुपये लूज करके सीखा है ये। दैट हाइप की साइड आप जा सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि आपको वो न्यूज़ कहाँ से मिली, कि आपको न्यूज़ आउटलेट से मिली है, कि आपको दोस्त से मिली है, या आप किसी बहुत ही रैंडम बंदे को फॉलो करते हो वहाँ से आपको देखने को मिला है, क्योंकि अगर वो न्यूज़ आउटलेट से मिल रही है तो इट्स ऑब्वियसली टू लेट, राइट। तो इस तरीके से हाइप पे मत जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक लाइक 100x 1000x रिटर्न्स, तो दैट इज़ नॉट लाइक एक दिन में नहीं हो सकता ऐसा, यू नीड टू वर्क फॉर इट, तब जाके आपको मिलता है। एंड अगर आप 5-10% रिटर्न्स भी निकाल पा रहे हो लाइक ऑन 3-4 डेज बेसिस, या फिर आप डेली 1-2% भी कर रहे हो, तो दैट एड्स अप अ लॉट, लाइक कंपाउंड बहुत जल्दी होता है 3-4 मंथ्स में, अगर आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स निकाल रहे हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, रादर देन चेजिंग कि मैं यहाँ पे गैम्बल करूँ 100x निकालूँ 200x निकालूँ। तो ये सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, सबको जो है कि कम पैसे लगा के आउटसाइज रिटर्न्स देखने हैं, दैट्स वाई ड्रीम 11 टाइप बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया में बहुत चलती हैं, तो सेम चीज़ है। बट गैम्बलिंग वाला साइड काफ़ी लोग आते हैं, दैट इज़ लाइक नेसेसरी इवल है, क्योंकि इसके बिना लोग नहीं आएंगे। मैं भी अच्छा रिटर्न्स देख के ही मार्केट में आया था, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसे एक साइड से बहुत ही अच्छा लगने लग गया था या बहुत यूज़ होने लग गया था, मैं भी उस साइड से आया था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें यहाँ पे देखने को समझ आया, इकोसिस्टम समझने में आया, एंड फिर हमें यहाँ पे पता चला कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे निकालते हैं। तो एक बार 100x 200x रिटर्न आप निकालोगे भी तो आप गैम्बलिंग में 100 रुपये 200 रुपये 2000 20,000 30,000 रुपये डाल दोगे, ऐसे आप 2-3 लाख रुपये नहीं डाल सकते उसमें कमिटमेंट के साथ। तो इसीलिए मैं कंसिस्टेंट रिटर्न्स के साइड फोकस करता हूँ, जहाँ पे मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकूँ एंड वही कंसिस्टेंट रिजल्ट मुझे ओवरऑल मिलता है फिर 4-5 महीने के टाइम पीरियड में, रादर देन कि मैं 20,000 रुपये एक मीम कॉइन में डालूँ, मे बी वो मुझे 2 लाख रिटर्न दे दे, अगर नहीं देगा तो 0 हो गया, ऐसे मुझे 10-12 मीम कॉइन में डालना पड़ेगा, तो फिर लॉस के चांसेस वहाँ इंक्रीज हो जाते हैं। नील, आजकल नए नए टोकन्स भी आ जाते हैं, हर हफ्ते पॉपुलर हो जाते हैं, काफ़ी पहले से ही चल रहा है, सो ये आते कहाँ से, एक तो ये बताएं आप, क्या इनको वे स्ट्रेटेजिकली पंप करते हैं कि भाई उनसे 100x 500x वो पहले निकाल लें रिटर्न, फिर अचानक से सब कुछ बेच देते हैं और वो टोकन नीचे आ जाते हैं, फिर जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें फंसे रह जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, सो क्या ऐसा होता है? कॉइन्स बनाना बहुत ईजी होता है, आप और मैं भी बना सकते हैं कॉइन, इवन मैंने एक कॉइन बनाया भी है, ठीक है। तो कॉइन्स जो है ईजिली कोई भी बना सकता है, आपको टेक का नॉलेज भी नीचे होता है, अब आपको वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे आपको डालना है कॉइन का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसीलिए मैं थोड़ा फीस पे करो और कॉइन आपका लॉन्च हो जाएगा, राइट। अब मेन चीज़ आती है कि ये कॉइन्स को पम्प कैसे कराया जाता है, राइट। तो अब आप इमेजिन करो कि आपने 100 कॉइन्स बनाए, राइट, आपने कोई रैंडम ABC कॉइन बनाया, उसके आपने 100 कॉइन्स बना लिए, अब 100 में से 99 कॉइन्स आपने अपनी जेब में रखे हैं और एक कॉइन जो है मैंने आपको बेच दिया लेट्स से 5,000 रुपये में, ठीक है। अब 5,000 रुपये में एक कॉइन बिका है तो 99 मेरे पास है, अब उस कॉइन की वैल्यू लास्ट ट्रेडेड 5,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने वही एक कॉइन अपने किसी और दोस्त को बेच दिया 50,000 में, राइट, तो 50,000 अब जो है लास्ट ट्रेडेड वैल्यू 50,000 हो गई है, अब 99 कॉइन्स मेरे पास हैं, एक कॉइन आपके दोस्त के पास है, तो अब मेरे पास जो 99 कॉइन्स है क्या सबकी वैल्यू 50,000 हो गई है? ये चीज़ जो है मेन प्रॉब्लम देती है। अब अगर आपके पास कोई मीम कॉइन है तो उसकी 95-96% सप्लाई टीम के पास या फिर कहीं किसी एक वॉलेट में होती है, 3% सप्लाई को वो लोग पंप करते हैं
ठीक है, और बहुत सारे लाइक इन्फ्लुएंसर्स को भी पे किया जाता है, यूट्यूबर्स को भी पे किया जाता है, राइट। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि आप शेयर करो ये सब, तो हम नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो उससे हाइप क्रिएट की जाती है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मीम कॉइन्स को शेयर करके। उसके बाद एक बार हाइप क्रिएट हो जाती है एंड काफ़ी सारे लोग वो 3% कॉइन से बेच कर रहे होते हैं, तो फिर टीम पीछे से 2% और रिलीज करके अपना प्रॉफिट बुक करती है, थोड़ा प्राइस नीचे जाता है, उसके बाद फिर से एक और ये लोग हाइप ट्रेन चलवाते हैं, फिर हाइप में ऊपर जाता है, फिर टीम पीछे से 3% छोड़ती है, फिर ऐसे कर करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो आई थिंक 90% कॉइन्स ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है, जिनका टेक प्रोडक्ट होता है वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं, क्योंकि सबको अपना आउट लेना होता है। तो इसका मेन यही होता है कि आप अर्ली, मतलब इन ऐसे इन चीज़ों में भी पैसे आप कमा सकते हो, लाइक आप अर्ली घुस जाओ, ठीक है, आपके आपको लाइक बेस्ट पीपल को फॉलो करना होता है, इवन ऑन यूट्यूब आपको नहीं मिलेंगे, ट्विटर पे आपको लोगों को फॉलो करना होता है, दैट दिस गाय इज़ यू नो इसने पास्ट में ये किया था, तो अब चांसेस हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। तो रिसेंटली BRC20 में हमने देखा था कि VMPX लॉन्च हुआ था, जो कि फाउंडर पहले ही एक सक्सेसफुल मीम कॉइन लॉन्च कर चुका था, तो उसकी काफ़ी हाइप हुई थी। तो इस तरीके से आपको एकदम न्यूज़ के फोरफ्रंट में रहना होता है, जो लोग हैं जो लॉन्च करते हैं उनके फोरफ्रंट में रहना होता है, तो वहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अर्ली अडॉप्टर होके। अब आपको कब निकलना है, आपको इनिशियली जैसे 97% सप्लाई जब है लॉक्ड है 3% मार्केट में, तब अगर आप घुसते हो और आप से 90% लाइक 2-3% निकालने के बाद फिर वहाँ पे आप टीम के साथ एग्जिट ले लेते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मतलब किसी भी कॉइन का सारा दिख जाता है कि किसके पास कितना परसेंट है, तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हो कि कब टीम ने निकाला, तो वो ऑन चेन एनालिसिस से आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस से कि कहाँ पे इसका सपोर्ट जो है अब ब्रेक हो गया है, एंड इसके साथ साथ टीम ने भी निकाल दिया अपने कॉइन, इसका मतलब कि आपको भी निकालने हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर्स या यहाँ पे देखते हो, वो लास्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही अनसस्पेक्टिंग लोगों को लेके आने आते हैं वो लोग, एंड उस वहां पे फिर पेड आर्टिकल्स के थ्रू वो लोग फाइनल पुश कराते हैं, जहाँ पे टीम अपना मैक्सिमम जितना हो सके बेच देती है। उसके बाद तो उससे पहले आपको निकलना होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल इकोसिस्टम मोस्टली वर्क करता है, 90% कॉइन्स ऐसे वर्क करता है। फाइन नील, थैंक्स फॉर दिस इनसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपने बताया कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को अपने पैसे मार्केट में लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज उनको फॉलो करनी चाहिए। आई वुड से कि भाई आप बड़े केयरफुली क्रिप्टो मार्केट को अप्रोच करना, बिकॉज ये बड़ी वोलेटाइल है, या कुछ भी हो जाता है कभी भी, इसमें आपकी कैपिटल लगी होती है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड अपनी कैपिटल का 4 से 5% से ज़्यादा आप कभी भी क्रिप्टो में मत लगाना, दैट वुड बी टू रिस्की फॉर यू। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मतलब आप मैंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, फिर उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।